टुडे वी स्टार्ट विद क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट वाला प्रोग्राम ऑप्शन वन, ठीक है। तो इसके लिए अगर मेरे लिंक्ड लिस्ट का नोड ऐसा होने वाला है, अगर मेरे लिंक्ड लिस्ट का नोड ऐसा होने वाला है जिसमें मुझे फर्स्ट पार्ट में डेटा रखना है जो कि इंटीजर टाइप का होगा और सेकेंड पार्ट पे मुझे एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला पॉइंटर रखना है जिसका नाम होगा नेक्स्ट, ठीक है। और वो कहाँ पॉइंट करेगा, अगले नोड पे। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, इसको एक इसको नोड बोलते हैं, ये पूरे को एक नोड बोलते हैं। ये पूरा जितना भी मैंने सर्कल किया है रेड में इसको बोलते हैं नोड। तो नोड के कितने सेक्शन हो गए, एक तो डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि नेक्स्ट भी किस टाइप का है, जहां पर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उधर भी क्या है, जहां पर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उधर भी नोड है ना एक, इसके लिए नेक्स्ट का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड है। देखो इसको ऐसे समझो कि अभी मेरे पास तीन अपना एग्जांपल था ना, उससे निकाल एक मिनट को, ये जो पहला नोड है उसका पहला हिस्सा जो मैंने सर्कल किया है वो डेटा है उसके अंदर, और नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड 2000 पे ना, 2000 पे क्या है, 20 डेटा नहीं रे, 2000 पे पूरा रेक्टेंगल है, 2000 पे सिर्फ डेटा नहीं है, नोड है। फिर इसका नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है, 3000 पे, 3000 पे क्या है, नोड। तो इसके लिए नेक्स्ट का टाइप क्या होगा, नोड टाइप होगा, क्या होगा, नोड टाइप। चलो अभी प्रोग्राम करते हैं, तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं, मैंने कल ओपन किया था ना थोड़ा बहुत तो हाँ, देखो यहाँ तक अपन ने कर दिए थे, है ना। ओके तो ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, ओके वॉइड में। अब सबसे पहले बनाने का अपना इंजन, क्या बनाने का, उसका नाम क्या था, अभी कुछ डेटा है क्या उसके अंदर, क्या बन गया वो, नल। तो अभी कुछ नहीं है तो स्टार्ट नल है, तो अभी हमारा जो ड्राइंग है वो ऐसा बनेगा कि हमारे पास अभी सिर्फ हमारे पास अभी सिर्फ स्टार्ट है और उसका वो भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर्स को आई विल ट्राई टू कीप द रेड साइड। तो अभी अपने पास सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंटर है, स्टार स्टार्ट, जो भी काम करेगा इंजन का, किसका काम करेगा। तो अभी कोई डब्बा आया है क्या, अभी इंजन का लगा हुआ है किधर, हेलो इंजन अभी किससे कनेक्टेड है क्या, इंजन किससे, कोई डब्बा, अभी तो कोई डब्बा नहीं आया ना, इसके लिए इंजन किसको कनेक्ट, नल है इंजन में, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे, क्रिएट फंक्शन, क्या करेंगे फंक्शन कॉल, उसको आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट किस टाइप का है, तो इसके लिए जब क्रिएट फंक्शन लिखेंगे उसका आर्गुमेंट किस टाइप का लेंगे, टाइप शुड मैच राइट, आप जो डेटा पास करते हो उसका टाइप मैच होना चाहिए ना। तो अगर मैं यहां पर पास करता लेट से इंटीजर आर इज 10 फ्लोट एम इक्वल्स टू 10.5 और कैरेक्टर के इक्वल्स टू एट द रेट, ठीक है। अगर मैं क्रिएट को पास करता आर, क्या पास करता आर, तो यहां पर मैं आर किस में लेता था, किस टाइप की वेरिएबल में, हाँ भाई किस टाइप की वेरिएबल में, इंटीजर ना,
तो इंटीजर स्टार्ट होता था, अगर मैं पास करता m तो मैं किस में लेता था, फ्लोट स्टार्ट, अगर मैं पास करता था k तो किस में लेता था, बट मैं क्या पास कर रहा हूं, स्टार्ट, स्टार्ट किस टाइप का है, स्ट्रक नोड, तो इसके लिए मैंने क्या लिया था, स्ट्रक नोड, आया समझ में, ओके, चलो तो अभी स्टार्ट, अभी हम क्रिएट में आ गए, ओके, जो दो पॉइंटर थे अपने एक्स्ट्रा, जो अपने दो एक्स्ट्रा पॉइंटर थे कौन से थे, न्यू कोच और टेम्प, है ना, दिख रहा है ये, स्टार्ट तो मिल गया ना, अब क्या बाकी है, एनएन बाकी है और उनको डिक्लेयर कर दो, वो भी किस टाइप के है, वो भी नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं ना, एनएन और टेम्प भी काम पॉइंट कर रहे हैं, नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, हेलो, एनएन और टेम्प भी नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं ना, यस हां, तो इसके लिए उनका टाइप भी क्या रहेगा, ओ साइज ले लो, लिंक लिस्ट की साइज ले लो, आपको कितने कितने साइज की लिंक लिस्ट चाहिए, दीजिए साइज, ठीक है, यूजर से पहले वो ले लो, प्रिंट एफ, एंटर साइज ऑफ लिंक लिस्ट, तो वो एंटर करेगा 3, जैसे यहां पर साइज कितना है, ये एग्जांपल में साइज कितना दिख रहा है, ये एग्जांपल में साइज कितना है लिंक लिस्ट का, हेलो, थ्री है ना, तो फिर उसको हम ले लेंगे वेरिएबल साइज में, तो क्या करेंगे, स्कैनएफ परसेंटेज डी और एंड साइज में डाल देंगे, ओके, और एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमने तीन बार करना है ना काम, तो फिर फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू साइज और आई प्लस प्लस, तो दिस लूप विल गो हाउ मेनी टाइम्स भाई, दिस लूप विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो अगर साइज 3 है तो 3 टाइम्स, साइज 4 है तो 4 टाइम्स, है ना, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट नाउ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से मैलॉक करके मेमोरी ले लेंगे, और मैलॉक यूज कर रहे हैं तो उसका हेडर फाइल भी लेना पड़ेगा अपने को, तो पहले गए मैलॉक को बोल दिया मुझे क्या चाहिए, साइज ऑफ स्टार, साइज ऑफ 1 कीवर्ड है, मैंने बोला मुझे भाई कितना चाहिए मेमोरी, साइज ऑफ एक स्ट्रक नोड, तो मैलॉक बोलता है तो क्या करेगा उसके अंदर, मैंने उसको बोला कि मैं उसके अंदर एक स्ट्रक नोड स्टोर करूंगा, है ना, हाँ, और फिर उसके लिए मैंने, तो ये मेरा नया नोड हो गया, क्या हो गया ये, तो उसको कौन पॉइंट कर रहा है, एनएन, तो मुझे अभी एक मेमोरी मिल गई, अभी क्या मिल गई मुझे, तो एक नया नोड की मेमोरी मिल गई, तो एक नया नोड आ गया मेरे पास, ओके, अब उसके दो हिस्से बन गए, ऑटोमेटिक दो हिस्से बन जाते हैं उसके, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दो हिस्से ऑटोमेटिकली बन गए उसके, कि वो नोड का लिया है और उसका एक एड्रेस आ गया 1000, ठीक है, अब यहां पर क्या डालना है, यहां पर क्या डालना है, डेटा ना, तो क्या बोलेंगे, प्रिंट है, प्लीज एंटर
डेटा फॉर नोड, उसको स्कैन करेंगे तो कहाँ जाएगा स्कैन करके उसको, एंड कहाँ डालेंगे, एनएन के कौन से पार्ट में, एनएन के कौन से पार्ट में, एनएन के दो पार्ट हो गए ना अभी, एनएन का ये डेटा पार्ट है, पार्ट ए डेटा है और पार्ट बी पॉइंटर है, तो जो 10 गया 10 वो कहाँ गया, 10 कहाँ डाले अपन ने, हाँ ए पार्ट में, तो इसके लिए कहाँ डाल दिया अपन ने, यहाँ डाल दिया उसको, एनएन एरो डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गया, और अभी कोई नोड है क्या इसके बाद में, फिलहाल कुछ दिख रहा है क्या सामने, इसके पास सामने कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या डालना है अपने को, नल क्या डालेंगे, एन एन एरो नेक्स्ट में क्या डालेंगे, इक्वल्स टू नल, ठीक है ओके। अभी किसको किससे लिंक करना है, किसको किससे, अभी यहाँ पर क्या रहेगा, इंजन का पॉइंट करेगा फिर, अभी इंजन का ये इंजन जो है इसमें नल निकल जाएगा ना, और ये किससे जुड़ जाएगा फिर, अभी तो इंजन कितने बार जुड़ता है अपने लाइफ साइकिल में, अगर 15 डब्बे की गाड़ी है तो इंजन को कितने बार जोड़ते हैं अपन, 15 बार क्या, एक बार 15 बार नहीं सॉरी एक बार, तो इंजन को हम एक ही बार जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, जब तुम्हारा इंजन नल होगा बस, जब तो जब नल होगा तब उसको निकाल, नल को निकालेंगे और पहले नोड का एड्रेस डाल देंगे उसके अंदर। तो इसके लिए फर्स्ट चेक करना कि इंजन में नल है क्या, तो अगर आपका इंजन में नल है उसी वक्त इंजन जुड़ता है तो क्या डालो, तो क्या डाल दो स्टार्ट में, क्या डाल दो स्टार्ट में, तो ये जो NN था ना इधर, ये दिस वॉज NN, दिस वॉज योर NN, तो NN क्या था 1000 था, तो क्या डाल दिया हमने स्टार्ट के अंदर 1000 आ गया इधर ओके। अभी वो ये यही वो टाइम है जब इंजन पहला डब्बा और गार्ड सब एक ही जगह पे है, तो NN स्टार्ट में भी जाएगा और NN टेम में भी जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, तो अभी इस मौके पे आपका रेलवे गार्ड, आपका इंजन और पहला डब्बा सब सेम जगह पे, तो यहाँ पर तो स्टार्ट टाइम में भी क्या है, क्या है स्टार्ट टाइम में भी, तो इंजन फर्स्ट डब्बा इंजन और गार्ड सब एक ही जगह पे शुरू में, ठीक है। तो पहला नोड बन गया, ये सुनो, तो इफ में गया तो वैलिड गोइन, एल्स इफ में गया तो एल्स में जाएगा क्या, yes. जाएगा, इफ में गया तो एल्स में भी जाता है, इफ में गया सो रहा है ये, सो के अटेंड कर रहा है ये लेक्चर, अरे इफ में गया तो एल्स में भी जाता है क्या, एल्स में नहीं, नहीं तो इस बार अभी इफ में गया ना, फर्स्ट इटरेशन में इफ में गया ना, तो else पूरा स्किप हो जाएगा, ठीक है। फिर I प्लस प्लस I हो गया 2, इज 2 लेस देन इक्वल टू 3, इज 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो एक और नया नोड मांगे अपन ने, तो अपने को नया नोड मिल गया, तो यहां पर अपने को नया नोड मिल जाता, ठीक है। तो नोड मिल जाता तो उसको जितना पार्टीशन है वो नोड के पार्टीशन बन जाते हैं, और उसका एक एड्रेस बन जाता, क्या एड्रेस मिला इसका 2000, और अभी इसको कौन पॉइंट करेगा, इसको नया डब्बा ये है ना, अभी नया डब्बा, हाँ तो अभी एनएन इधर आ गया, इसको ले, इसके लिए पॉइंट कौन कर रहा है, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, एनएन, ठीक है। एंटर डेटा फॉर द नोड, आपने 20 एंटर किया, 20 कहाँ जाएगा, एनएन के डेटा में, तो 20 कहाँ जाएगा, एनएन के डेटा में 20 आ गया। अभी कोई नोड है क्या इसके बाजू में, इसके राइट में कोई नोड है क्या, नहीं है, तो क्या जाएगा इसमें,
नल, क्या किया आपने, डेटा डाल दिया और एनएन के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। अब बोलो स्टार्ट नल है क्या, इज योर स्टार्ट नल ट्रू और फॉल्स, स्टार्ट में नल है क्या, फॉल्स। तो इसमें जाएगा क्या एल्स में जाएगा, एल्स में। तो अभी ये एल्स वाला कोड लिखना है अपने को। अब एल्स में आके क्या करना है बोलो, अब सिंपल बोलो क्या करना है, किसको किससे जोड़ना है बोलो। अभी फर्स्ट थिंग देखो यहाँ पर ये इस पे नजर रखो, यहाँ पर क्या होगा बोलो, अभी इधर जो एनएन था जो ये है 2000 NN है वो इधर आ रहा है। हाँ तो इसको अभी अभी एनएन ये नोड को आप टेम से अभी अभी सारा अभी टेम का खेल बीच में आ जाएगा, अब टेम का पूरा फ्लेवर आ जाएगा। तो 1000 को 1000 के कौन से पार्ट में, डेटा पार्ट का नेक्स्ट पार्ट, तो 1000 के नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा 2000। 1000 कौन से पॉइंटर के पास है, और 2000 किसके पास है, एनएन के पास। तो क्या लिखेंगे सिंपल, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नेक्स्ट एनएन है ना। तो टेम्प का पॉइंट कर रहा है अभी 1000, उसके उसके कौन से पार्ट में, डेटा पार्ट क्या नेक्स्ट पार्ट, क्या डाल दो एनएन है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये नल निकल जाएगा बाहर और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा इधर, इधर आ गया, तो ये इससे जुड़ गया, फिर जैसे आ गया तो ये जुड़ गया इससे। यस और नो, ये इससे जुड़ गया। अब गार्ड वहां रहेगा कि गार्ड आगे बढ़ेगा, रेलवे गार्ड अभी यहां रहेगा कि इधर आएगा, अभी तो उसको बढ़ाने का तरीका है टेम्प इज टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या है तो टेम्प का नेक्स्ट इज योर टेम्प। तो अभी देखो अभी अभी टेम्प किधर है, अभी फिलहाल उसका नेक्स्ट में क्या है, थाउजेंड के नेक्स्ट में क्या है 2000, तो वो आपका नया टेम्प बन जाता है। तो टेम्प क्या करता है, यहां से निकल जाता है फिर अभी और यहां पर आ जाता एंड 10 बिकम्स 2000। समझा क्या नहीं भाई, तो एल्स में अपन ने इतना इतना काम किया, अपन ने एल्स में ये काम सारा एल्स में किए। तो एल्स के सिर्फ दो लाइन का कोड है, क्या है, टेम्प एरो नेक्स्ट इज एनएन एंड टेम्प इज टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या कोड था, टेम्प एरो नेक्स्ट इज एनएन और टेम्प को आगे बढ़ाओ, सही है। इफ क्लोज एल्स क्लोज, आई प्लस प्लस आई क्या बन गया 3, इज 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू फॉल्स। क्या करो वापस एक जाके मैलॉक को बोलो नया नोड दो करके, नया नोड मिला, क्या एड्रेस होगा उसका, अभी 3000 जो भी होगा मेमोरी को मालूम है, अपन तो सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं उसको कौन सा पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो अभी एनएन क्या कहा जाएगा, अभी तो अभी इधर एनएन आ गया। अब क्या बोलेंगे अपन, एंटर डेटा फॉर द नोड, तो आपने 30 एंटर किया इसके, अभी कोई नेक्स्ट में कुछ है क्या इसके, तो नेक्स्ट में क्या जाएगा नल, ठीक है। तो ये देखो इतने यहां तक अपना काम हो गया कि मैलॉक ले लिए, डेटा गया, नेक्स्ट गया, नल गया, इस स्टार्ट नल, स्टार्ट स्टार्ट में नल है क्या, ट्रू का फॉल्स, एल्स फॉल्स, तो एल्स में जाएगा और एल्स में आके ये काम करेगा, ये तो काम करेगा एल्स में, टेम्प का अभी टेम्प का पॉइंट कर रहा 2000, उसके नेक्स्ट में क्या है नल, ये वो निकल जाएगा ना, उसकी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो एनएन में क्या है 3000, तो ये इससे जुड़ गया अभी
अब गार्ड मारेगा कि आगे बढ़ेगा? रेलवे गार्ड वहां खड़ा रहेगा कि आगे बढ़ेगा? अभी आगे बढ़ेगा। तो गार्ड को आगे कैसे बढ़ाते हैं? हाउ टू इंक्रीमेंट द गार्ड, टेम्प इज टेम्प। बस ये लॉजिक याद रखो, बस टेम्प को आगे बढ़ाने का, टेम्प इज टेम्प एरो नेक्स्ट। फिनिश हो गया, एल्स खत्म हो गया। ओके, आई प्लस प्लस आई बन गया 4। इज 4 लेस देन इक्वल टू 3? तो लूप लूप टूट जाएगी। लूप टूटने के बाद सिंपल क्या करने का, जो अपने को स्टार्ट मिला है ना, स्टार्ट जो अपने को स्टार्ट मिला है ना, उसको रिटर्न कर देने का। क्या कर देने का? क्यों सर? क्योंकि अपने को लिंक लिस्ट का इंजन से काम रहता है हमेशा, शुरू से हमेशा अपने को उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, क्योंकि हमको हर काम स्टार्टिंग से करना है ना। आई इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू, अपने को डिस्प्ले करना है स्टार्ट से आना पड़ेगा, ऐड स्टार्ट करना है स्टार्ट से आना पड़ेगा, मिडल में ऐड करना है स्टार्ट से आना पड़ेगा, एंड में ऐड करना है स्टार्ट से आना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करना जरूरी है, समझा? तो इसके लिए रिटर्न स्टार्ट। अभी स्टार्ट किस टाइप का है, स्टार्ट किस टाइप का है? स्ट्रक्ट नोड स्टार है ना। तो इसके लिए रिटर्न टाइप क्या हो गया फंक्शन का? स्ट्रक्ट नोड स्टार, समझा? और फिर वो जाएगा नए वाले स्टार्ट में, जब ये क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, तो LHS पे चाहिए वेरिएबल उसी टाइप का है ना। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये क्या बोल रहा है, आई एम रिटर्निंग अ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, तो ऑन द LHS आई वांट अ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। और अपने पास अभी एक ही स्ट्रक्ट पॉइंटर है मेन के अंदर, वो कौन सा है? स्टार्ट है। तो आगे LHS में स्टार्ट, तो फंक्शन के शुरू में मैंने नल पास किया था और फंक्शन ने मुझे 1000 रिटर्न किया। ये हो गया क्रिएट फंक्शन, इसको कॉपी करो और मेन के ऊपर इसका लिख दो प्रोटोटाइप। ओके, अब क्रिएट तो हो गई, अब डिस्प्ले कैसे करेंगे उसको? तो इसके लिए फंक्शन लिखेंगे डिस्प्ले। क्या फंक्शन लिखेंगे उसके लिए? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले भी क्या ले रहा है एज आर्ग्यूमेंट, डिस्प्ले एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? और डिस्प्ले वॉइड रहेगा, डिस्प्ले क्या रहेगा? ओके, अब वापस क्या करो, वापस टेम को घसीट के स्टार्ट पे लेके आओ, वापस टेम को कहा लेके आओ? तो अभी टेम में, अभी टेम में क्या आ गया है, टेम में कितना आ गया अभी? 3000 है ना। अब वापस टेम को कहा लेके आओ? सबसे पहले, सबसे पहले हर काम के लिए अपने को टेम को स्टार्ट, यू टू रीसेट द टेम। तो टेम, गेट द टेम टू द स्टार्ट, गेट द टेम टू वेयर, टू द स्टार्ट। देखो इस टेम की लाइफ कहां तक है, इस टेम की लाइफ सिर्फ इस फंक्शन तक है, क्रिएट फंक्शन तक। इसके लिए मुझे वापस डिक्लेयर करना पड़ेगा नया टेम। नया टेम डिक्लेयर किया और उसको किस में डाल दिया, उसमें क्या डाल दिया टेम के अंदर? तो आप चाहो तो दो लाइन में करो, आप चाहो तो इक्वल टू स्टार्ट देके एक लाइन में करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, अब मेरा टेम कहां गया वापस? टेम हैज अगेन कम टू द स्टार्ट, अगेन कम टू वेयर। अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है, 10, 20, 30। अपना अभी डिस्प्ले करते हो डेटा पे डिस्प्ले करना है, क्योंकि अपना मेन काम डेटा से है। तो आई वांट टू डिस्प्ले टेम्प एरो डेटा, टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा, टेम्प एरो डेटा, टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा, टेम्प एरो डेटा। जब टेम्प नल आएगा तो विल स्टॉप। तो जब तक टेम्प में नल नहीं आ जाता, व्हाइल योर टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अंदर आओ और क्या डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो? परसेंटेज डी, तो डेटा हो गया और वो एरो दिखाने वाला, जो एरो है बाजू में, जो ये जो एरो है ना, ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ। तो ये है वो एरो, तो
डेटा दिखाएगा, और क्या दिखाना है अपने को, टेम्प का डेटा क्या दिखाना है, और फर्स्ट दिखा दिया, अब टेम्प को आगे बढ़ो, तो हाउ टू इंक्रीमेंट द टेम्प, बस वाइल खत्म, फंक्शन खत्म, इसका फर्स्ट लाइन कॉपी करो, फंक्शन और void case कॉपी करके पेस्ट कर दो मेन के ऊपर, ये आपका डिस्प्ले हो गया। हाँ ओके, फंक्शन का नाम डिस्प्ले था, यस करेक्ट, और भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, void display, ये प्रोग्राम हो गया, इसको कॉपी करेंगे और रन करके देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है इधर गाइस, तो मैंने थ्री किया, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है, थ्री किया मैंने, थ्री एंटर डेटा फॉर द फर्स्ट नोड 10, 20 और 30, डिस्प्ले हुआ क्या, यहां पर क्या चाहिए था, नल क्या चाहिए था इधर लास्ट में, तो क्या कर देना था अपन ने, डिस्प्ले के अंदर जो है ना सबसे लास्ट में लूप के बाद, इसके बाद जब लूप खत्म हो जाएगी तब डिस्प्ले कर देना नल, ऐसे ठीक है, दिख रहा, दिख रहा तुम लोगों को, हमें पांच एंटर किया, पांच नोड 11, 22, 33, 44, 55 आया, तो ऐसा लिंक लिस्ट क्रिएट करके डिस्प्ले करना है, दिस इज व्हाट यू गॉट टू प्रैक्टिस, तो वेरी बेसिक फंक्शन, दिस इज द बैकबोन फंक्शन ऑफ एंटायर डेटा स्ट्रक्चर, ये फंक्शन ये प्रोग्राम आपको लिखने आ रहा है खुद से, तो आप डेटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ सकते, वरना जब तक ये पक्का नहीं हो तब तक डेटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ के फायदा नहीं है।